मैं एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकता कि ये सारी चीजें हैं जिसको हमें जहन में रखना है जब हम किसी कैरेक्टर की तैयारी करते हैं बॉटम लाइन ये है कि आपको इन योर हेड यू हैव टू थिंक दैट यू हैव द अथॉरिटी टू यू नो टू प्ले दैट कैरेक्टर तो जितनी सारी चीजें लगती हैं वो रिसर्च uh, डायरेक्टर से बात करना बहुत ज्यादा हमें एग्जैक्टली exactly पता होता है जब हम रिसर्च uh, कर रहे होते हैं कि हमें क्या नहीं करना है क्या करना है इसलिए हम फिल्म बनाते हैं तो वो एक्सप्लोर करने के लिए वी 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 हैव अटेम्प्टेड टू मेक दिस फिल्म एंड यू गाइस हैव सीन द ट्रेलर एंड आई होप दैट यू हैव लाइक इट और uh, बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है और uh, मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सबको वो ये बहुत ये फिल्म बहुत अच्छी लगी आ, बहुत सारा खाना मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ तो मिष्टी दही और दिवाकर और मैं पहले कुछ फिल्म शूट होने से छः महीने पहले एक बार गए थे कैलकाटा में और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही कैलकाटा से जुड़ी हुई तो उसमें एक फूड बहुत ही अहम हिस्सा था तो वो जो सिक्स कोर्स मील होते हैं जिसमें आप जंप नहीं कर सकते सीधे सिक्स मील पे तो वो सारी चीजें मैंने खाई है मिश्री दही एंड ऑल द मिठाइज एंड ऑल द माच भात एंड एवरी थिंग देखिए बोमकेश एक डिटेक्टिव कहानी है अब डिटेक्टिव uh, <coughs> क्राइम के बिना डिटेक्टिव नहीं जी सकता जहाँ पे अपराध नहीं होगा वहाँ पे डिटेक्टिव की रोजी रोटी नहीं चलेगी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कलकत्ता में क्या हुआ <coughs> कि कलकत्ता में क्राइम का नेचर बदल गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टेज पे आ गया था बर्मा से जापान इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था एयर रेड्स हो रहे थे बम गिर रहे थे शहर में साथ ही साथ शहर में जापनीज पाइज का एक रिंग फैल रहा था अंग्रेज़ लोग और इंडियन जो अंग्रेज़ों के साथ थे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे साथ ही साथ हमारी जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी वो भी आग पकड़ रही थी और इसी में कलकत्ता क्योंकि एक पोर्ट सिटी था द नेचर ऑफ क्राइम स्टार्टड चेंजिंग द डॉक्स द डॉकार्ट गैंग्स द नारकोटिक गैंग्स द अंडर वर्ल्ड स्टार्टेड इवॉल्विंग इन टू अ न्यू काइंड ऑफ क्राइम एंड इस कहानी में हम बोमकेश को देखते हैं कि कलकत्ता जो इतिहास की कगार पे खड़ा हुआ है और चेंज हो रहा है और इंडिया जो चेंज हो रहा है और जो क्राइम का नेचर चेंज हो रहा है उसमें एक नौजवान डिटेक्टिव अपना पहला केस सॉल्व कर रहा है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता का नेचर चेंज हुआ कलकत्ता का शहर चेंज हुआ कलकत्ता की इकोनॉमी चेंज हुई कलकत्ता का क्राइम चेंज हुआ और एक नए तरह का डिटेक्टिव आया जिसका नाम था भोमकेश बख्शी इसलिए इसका जोड़ है नो इट्स जस्ट नॉट ऑफ लुक देयर मेनी थिंग्स दैट यू थिंक ऑफ एज एन एक्टर व्हेन यू से यस टू अ फिल्म एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई लुक टू इज इट्स चैलेंजिंग फॉर मी एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई साइन अ फिल्म बिकॉज एज आई सेड जस्ट नाउ हैविंग सो मेनी कन्वर्सेशंस कॉन्वर्सेश दिबाका बनर्जी आई गॉट टू नो दैट दिस फिल्म इज नॉट अबाउट दीस मनी थिंग्स So what is it about is why he was making a film and why I was fascinated for this film, and that's why I did this. So that's what, that, that was a challenge, and uh, that's precisely the reason why I did this film. And hopefully, I'm uh, I mean, like, during the process, I did my research, I gave it my best, and I felt the character. I thought that I have this authority to play Vomkesh screen and hopefully it translates to uh, what uh, audience see it and uh, what they feel about the film. The part hai, wo to mein, meri khud ki expectations was my expectations because I the script, padhi thi, I found it very challenging because nothing, uh, it was not very similar to what I think of myself. So that was the expected part, what will the unexpected part is when I signed the film was how people will react to it. So that's the unexpected part, according to my opinion. And I hope, and uh, I think uh, Debaka would uh, say it was the expected. <laughs>